अगर आपको अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना है तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी की डिक्की खोलनी है जिसमें आपकी स्टेपनी रखी होगी। डिक्की खोलने के बाद आपको सबसे पहले जैक, पाना और रॉड निकालनी है। उसके बाद आपको बदलने वाले टायर का व्हील कवर हटाकर उस टायर के थोड़े से नट लूज करने हैं। नट लूज करने के बाद आपको जैक गाड़ी के नीचे लगाना है, पर ध्यान रहे जैक आपको सही जगह और सही तरीके से लगाना है। अगर जैक सही पोजीशन में नहीं लगा तो इससे गाड़ी को नुकसान भी हो सकता है। जैक लगाने के बाद आपको उसको तब तक खोलना है जब तक वो गाड़ी की बॉडी से टच ना हो जाए। जैक बॉडी से टच होने के बाद आप रॉड और पाना जैक में लगा के उसे घुमाएं। जैसे जैसे आप पाना घुमाते जाएंगे वैसे वैसे गाड़ी धीरे धीरे जमीन से उठने लग जाएगी। जैसे ही आपकी गाड़ी उस लेवल तक उठ जाए जहां आपको लगे कि आपका टायर निकल सकता है और दूसरा टायर लगाया जा सकता है, आप जैक को उठाना बंद कर दें और उसके बाद अपने टायर के चारों नटों को खोलकर टायर निकाल लें। टायर निकालने के बाद आप स्टेपनी लेकर उसे निकाले हुए टायर की जगह लगा दें और उसके हल्के हल्के नट टाइट कर दें। नट कसने के लिए सबसे पहले आप ऊपर या नीचे के नट को पहले लगाएं, उसके बाद उसके बिल्कुल विपरीत वाला नट कसें। ऐसा करने से आपका टायर एक सही पोजीशन में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप बाकी के दो बचे हुए नट लगाकर कस दें। नट कसने के बाद अब आपको अपनी गाड़ी को जैक से उतारना है। जैक से उतारने के लिए आप पाने और चाबी से अब जैक को उल्टी तरफ घुमाएं। ऐसा करने से आपकी गाड़ी धीरे धीरे नीचे आने लगेगी। गाड़ी नीचे आने के बाद अब आप टायर के चारों नटों को पाने से कसकर व्हील कवर लगा दें। व्हील कवर लगाने के बाद आप जैक, पाना और रॉड गाड़ी की डिक्की में वापस डाल दें और बस आपकी गाड़ी का टायर बदल गया।